पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित 15 में से 14 वुमेन अचीवर से मुलाकात की। इन महिलाओं ने इस दौरान जीवन की कठिनाइयों के बीच समाज में दिए गए अपने योगदान की कहानी पीएम नरेंद्र मोदी से विस्तार से साझा की। इसमें 103 साल की एथलीट मानकोर थी तो 96 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा में टॉप करने वाली कार्तियायनी अम्मा भी। एक अन्य पुरस्कार विजेता भागीरथी अम्मा किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ पाई, लेकिन इन सब में गौर करने वाली बात ये थी कि पीएम मोदी ने एक एक महिला की कहानी बेहद ही ध्यान से सुनी और उन्हें आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। जो है मैं जो गलत कुछ बोलूंगी तो माफ कीजिएगा सब मिलके, जो कम पढ़ी लिखी हूँ, बस नाम लिखने के लिए जानते हूँ समझते हूँ, पचमे तक पढ़ी हूँ, इसीलिए मेरा जो है माफ कीजिएगा। पीएम मोदी से मुखातिब होने वालों में देश की पहली महिला फाइटर पायलट मोहना, भावना और अवनी भी शामिल थी। इन तीनों ने अपने करियर के रोमांच और फाइटर जेट उड़ाने के अनुभव को साझा किया। इसके अलावा इन महिलाओं में कश्मीरी शिल्पकार अर्फा भी थी, जिसे आज पीएम मोदी ने अपना सोशल मीडिया हैंडल भी इस्तेमाल करने का अवसर दिया था। शुक्र अल्लाह, मैंने इतना अपने लिए नहीं कमाया है जितना कोशिश की कि आर्टिजन कम्युनिटी को फायदा मिले और जो हमारा क्राफ्ट डाइंग हो रहा है उसको बचाने में। अभी 28 लेडीज हमारी पश्मीना स्पिनिंग के साथ जुड़ी हुई है और 25 लेडीज जो है एम्ब्रॉयडरी के साथ जुड़ी हुई है और नमदा रिवाइवल में 15, तो लगभग 75 के करीब मतलब है। तो लेकिन पिछले साल जो इंटरनेट बैन हुआ तो उस वजह से हमारा सारा खराब हो गया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इन सब महिलाओं से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। कितना आत्मविश्वास झलक रहा है। एक समय ऐसा था हमको लगता था कि हिंदुस्तान यानी बड़े बड़े परिवार, बड़े शहर, कुछ खास लोग। अब पता चल रहा है कि देश खास लोगों का नहीं है, हर छोटा परिवार भी, छोटे से गाँव का व्यक्ति भी कुछ न कुछ कर रहा है, अच्छाई के लिए कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महिला दिवस पर देश भर की महिलाएं संकल्प करें कि भाई हम इसमें क्या चीजें होती हैं, कुपोषण से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, गरीब से गरीब को भी सिखाएंगे। आप देखिए भारत में से कुपोषण की समस्या को हम बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा काम जो है वो भी बहनों के द्वारा ही सफल हो सकता है और बहनों के बिना सफल हो ही नहीं सकता है, और वो है जल जीवन मिशन। पानी का मूल्य क्या है, पानी की उपयोगिता, ये महिला को जितनी समझ है किसी को नहीं है। उसको रोज भरा उसको जिंदगी उससे गुजारा करना, संघर्ष करना पड़ता है, पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अगर एक दिन म्युनिसिपालिटी में से पानी आना बंद हो गया तो पूरा घर परेशानी का कारण और सारा बोझ मां पर आ जाता है घर में। तो जल जीवन मिशन, पानी बचाओ और पानी पहुंचाओ, ये काम भी हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हैं, उनके द्वारा स्वाभाविक वातावरण बन सकता है। तो आज हम इस संदेश को आगे पहुंचाने में आप भी मदद करें और मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है उसके बजाय आपने अपना जीवन देश के लिए बहुत कुछ दिया है और इसके लिए आप लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।